नमस्कार दोस्तों, आरती जी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे नगेट, वो भी बिना ब्रेड क्रम और बिना आलू के, मंची और क्रंची। तो आइए शुरू करते हैं। हमें किस किस चीज की जरूरत है? तो हमें चाहिएगा ये आधा कप सूजी है, आधा कप चावल का आटा है, ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है, ये चिल्ली फ्लेक्स है, ये नमक, ये हरा धनिया, ये पुदीना, ये जीरा पाउडर और ये लहसुन की पेस्ट है आधा टीस्पून। तो हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम गैस जलाते हैं और इस पर ये कढ़ाई रख देते हैं। और ये इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी। मैंने डाल दिया है तो अभी इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल। डाल दिया, ये इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, ये डालेंगे लहसुन की पेस्ट जिससे स्वाद बहुत टेस्टी आएगा। और ये डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। तो अब ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे सूजी, अब इसमें डालेंगे हम चावल का आटा, फ्लेम को लो कर देंगे। मिनट हो गया इसे चलाते हुए और ये इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया। ये इसी तरह का होना चाहिए टाइट। बस यहाँ हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे थोड़ा हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, तब तक कि इतना कि जितने पे हम अपने आराम से उंगली से छू सके, इधर ठंडा होने के लगते। अब हमने इसे कढ़ाई में से बॉल में ट्रांसफर कर लिया। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ये चॉप किया हुआ पुदीना जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ये हरा धनिया इस स्टेज पे इसको इसमें मिलाएं। ठीक है, अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा तो ऑयल लगा लेंगे, चिपके करेंगे। ये हमारा आटा तैयार हो गया है, हमारा डो अच्छे से देखिए। अब इसको हम इसमें से 3 से 4 हिस्सों में बांट लेंगे ऐसे ऐसे। ये 4 हिस्सों हमने ले लिया, उसके बाद इसको हम इस तरह से इसका अब हमने इसके चारों लोग बना के तैयार कर लिए हैं।
अब इसको हम कट करेंगे इस तरह से। मैंने चारों लोग काट के तैयार कर लिए हैं, इसमें थोड़े मेरे एक्स्ट्रा थे तो मैंने इसमें रख दिए, फ्रीजर में रख दूंगी और ये 10 से 15 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसको डाल दिया, ऑन कर दिया, तेल गरम करने रख दिया और ये मैंने सूखा चावल का आटा लिया है थोड़ा सा। अब इसके अंदर इसको ऐसे रोल करेंगे और हमारा तेल गरम हो गया है, हम इसको इसमें डाल दिया। अब हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। कितना सुंदर कलर आ गया, बस हमें इतनी इसको निकालना है। ये बहुत करारे भी हो गए हैं और इसे 5 से 7 मिनट में हमने डीप फ्राई किया है। क्या आवाज आप सुन रहे हैं, कितने करारे हैं। गैस बन के तैयार है, आप इसको दिखाती हूँ। ये देखो कितने करारे, कितने क्रिस्पी बने हैं। इसके बाद अब इसको आप चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं कुरकुरे नगेट्स। तो देखा दोस्तों आपने, हमने बगैर आलू बगैर ब्रेड क्रम के कितनी मंची कितनी क्रंची नगेट्स बनाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अंत में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।